कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से परीक्षा प्रमोशन को लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है। फिलहाल क्या है पूरी न्यूज़ इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ऑफिशियल अपडेट। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है दिनांक 26 जून 2019 को लखनऊ से। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कार्यालय आदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं संपन्न कराए जाने के संबंध में विचार करने और उन पर संस्तुति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निम्नांकित समिति का गठन किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से चार यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर जो कुलपति हैं उनकी एक कमेटी गठित कर दी गई है। अब यही कमेटी यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लेगी कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए या फिर उनकी परीक्षाएं कराई जाएं। यदि परीक्षाएं कराई जाती हैं तो किस टाइप से परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी, ये सारा निर्णय अब इस कमेटी पर छोड़ दिया गया है। सबसे पहले देख सकते होंगे नंबर एक पर हैं प्रोफेसर एन के तनेजा, जो कि कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय के, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद नंबर दो पर हैं प्रोफेसर अशोक मित्तल और नंबर तीन पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है प्रोफेसर नीलमा गुप्ता, जो कि कुलपति हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के। इसके बाद नंबर चार पर हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। तो इस टाइप से चार यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की यहाँ पर कमेटी गठित कर दी गई है। बहुत जल्द ही इस कमेटी को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन ने 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि स्टूडेंट्स की परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश में करवाई जाएंगी या फिर नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अब 3 दिनों का वेट कर लेना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों, इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।